अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का सीन ये है कि वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, उसकी वजह ये इस वीडियो में बनेगा अफगानी स्टाइल ढाई तवा, ठीक है। और ये गुड़ा मैं नहीं बल्कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, इसको सारे जूनियर के नाम से जानते हैं, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी पतंग वाली, तो आज खैर ये गुड़ा बनाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और फिर शुरू करते हैं। तो ये चीज देख रहे हैं आप कि ये जो तीलों को गर्म करते हैं मोमबत्ती वगैरह के ऊपर, इसकी वजह ये जो गज वगैरह सीधे करते हैं ना, जब कुछ टेढ़े होते हैं बीच में बैंड होता है, तो उनको गर्म करके इस तरह मोमबत्ती के ऊपर और हाथ से जोर लगा के सीधा करते हैं इस तरह से। तो इसकी ट्रिक ये है, मैंने वैसे भी पिछले वीडियो बनाई थी एक पतंग के तीलों पर, उसमें मैंने ये बताया था ये चीज जो है कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये वैसे जो तीले काले हुए होते हैं ये डिजाइन नहीं मारा होता, ये एक इसको गर्म करके सीधा किया होता है। तो ढाई दवा बनाने के लिए अभी एक शीट ली है जहाँ से हम शुरू करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस शीट का साइज 20x30 इंच है, इसको थोड़ा सा काट के आप देखें जरा, इसको एक स्क्वायर बनाना है और बाकी ये डिफरेंट कलर्स की पट्टियाँ वगैरह ले लिए, इनको काट के आप साइड पे जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ जो होती है ये सिपी होती है, पेपर वेट किसी किस्म का ले लो, सिपी ले लो, स्नोकर बॉल ले लो, कुछ भी जो मिलता है वो ले लो, और उसको इस तरह पेपर के ऊपर मारने से ना इसकी जो सिलवटें हैं वो ख़त्म होती हैं। और नो डाउट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, उसकी वजह ये वीडियो मैं बना रहा था और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, कुछ स्किप नहीं किया हुआ, कोशिश की थी कि ज़्यादा सारी चीज़ें जो हैं दिखा दें इसमें बगैर कुछ स्किप किए हुए। तो ये हर कलर की ना, जितने कलर आप सिलेक्ट करेंगे हर कलर की आपने दो दो पट्टियाँ काटनी है, क्योंकि दोनों साइड पर लगेंगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऊपर से ये कि डिफरेंट कलर्स लेने हैं, कोशिश करने ज़रा थोड़े वाइब्रेंट कलर हों। तो ये जी इस तरह हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे स्पेशल कही गई थी कि ये बात कहनी है, और वो ये कि जिस टाइम आप ये कलर्स की डिफरेंट कलर्स की पट्टियाँ लगाएंगे ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डार्क कलर के बाद लाइट कलर लगाना है, फिर डार्क फिर लाइट, इस तरह। ये नहीं कि सारे लाइट कलर पहले एक लगा दें उसके बाद डार्क कलर लगाएं, ऐसे फिर मज़ा नहीं आता ना, ऊपर जाके नज़र आता वो मिक्स हो जाता सब कुछ। अब जैसे ऑरेंज के बाद ग्रीन लगाया, ऑरेंज के बाद रेड नहीं लगाना, क्योंकि ये कलर इस तरह के होते हैं ये फिर मिक्स हो जाते हैं, ये अच्छे नहीं लगते इस तरह।
तो एक साइड पे पट्टियाँ लगाने के बाद इसी सीक्वेंस में दूसरी साइड पे ही पट्टियाँ लगा लेनी है। और तीलों के साइज़ में आपको बताता चलूँ, अफगानी का ये सीन है कि इसका जो कमान होती है ना वो साइडों से बहुत गोल होती है, गोलाई काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। तो जिसकी कमान का साइज़ है वो है 66 इंचेस, यानी 6 इंच मेरा खास है। हाँ, 66 इंचेस की आपने कमान इसकी बनानी है, ठीक है, और साइडें काफ़ी बेहतरीन गोल करनी है। अभी आगे देखेंगे भी आप, तो शुरू में आपने इंट्रो में भी देखा होगा उसके साइड पर जो कमान का जो कर्व है ना, गोलाई उसकी कितनी ज़्यादा। और दूसरी चीज़, ये गुडा जो है आम गुडे से, आम ढाई ताबे से, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है थोड़ी। तो इसका गज आपने लेना है 48 इंचेस का। अब जैसे नॉर्मल ढाई तावे में हम कमान लेते हैं 65 इंचेस की, गज लेते हैं 45 का, तो इसमें 66 की कमान लेनी है और 48 का गज लेना है आपने। अब साइड पे पट्टियाँ लगाने के बाद इसका जो ऊपर टॉप वाला पीस है नुके वाला, तो उसमें ही वैसे ये डिज़ाइन से डाल दी, बीच में पट्टी लगा दी है। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है भाई, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, जो करना करो इसमें। तो ये जी फर्मा ऊपर रखा है और सिंपल काट लिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग वीडियो बना के बता दूं कि इसका फर्मा काटने की क्या टेक्निक है अफगानी की। इसका बस यही है कि साइड से गुलाई निकालनी होती है आपने बेहतरीन करके, कि पता लगे जी गोल शेप आए इसमें बिल्कुल, क्योंकि जितनी गुलाई इसकी होती है साइडों से उतनी आम गुड्डे की नहीं होती, आपने देखा होगा। तो ये फर्मा तैयार हो गया। फर्मा तैयार करने के बाद अब इस पर लगाएंगे बस तीले, और तीले लगाने के बाद उसी तरह धागा फैल लेंगे। फिर आगे इसमें एक और जो मज़े की चीज़ है, इंपॉर्टेंट जो देखने वाली है, वो है कि इसका पान किस तरह से काटते हैं, उसकी क्या टेक्निक है, क्योंकि इसका आम गुड्डे की तरह पान नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा इसमें मतलब स्टाइल सा होता है, कटिंग अच्छी होती है उसकी, तो वो चीज़ देखने वाली है इसमें।
तो अब बारी है जी इसका पान काटने की। इसके पान की एक ख़ास बात यह है कि नीचे से ये जो है ना पान बिल्कुल गोल होता है। ये इसके मतलब आम तौर पर जो पान काटते हैं उसके तो कोने निकले होते हैं ना साइडों से और वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है, लेकिन इसका ऐसा सीन नहीं है। तो ये इसने सिर्फ ये कि नॉर्मल ऐसी गुलाई कर दी है अपने नाखून से निशान लगा के। और जो पान आपने काटना है ना वो नीचे आप देख रहे हैं पिंक डब्बा जो ना गुड्डे के अंदर जो पिंक पेपर लगा हुआ है चौरस डब्बा, उसके अंदर अंदर रखना है आपने पान। तो ये इस तरह से सबसे पहले तो कटिंग करके ऊपर से दो पट्टियाँ निकाल देनी साइड पे, कटिंग करके इसको साइड फेंक देना। अब जी आपने देखना है ये इसको स्टेप फॉलो करें, फोल्ड किस तरह करना है पान को, क्योंकि आप बीच में कटिंग करके इसका वो डिज़ाइन सा बनाएंगे एक सर्कल में, सर्कल पैटर्न में। तो जहाँ से आप चाहते हैं सर्कल स्टार्ट हो वहाँ से आपने सेंटर फोल्ड करना है, इसको शुरू करना है जिस तरह यहाँ पर। इस तरह स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं साथ साथ करने के लिए इसको, इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए। तो उसके बाद ये सिंपल आपने कटिंग करनी है, छोटे छोटे ये स्क्वेयर्स काट लेने या जो भी तारे काट लें, जो डिज़ाइन जो आप चाहते हैं बीच में बनाना। ये इस तरह जो फोल्ड के किनारे होंगे ना वहाँ से आपने कटिंग करके थोड़ा थोड़ा काट लेना है इस तरह। इस डिज़ाइन में सारा ये कि फोल्ड का ही होता है कि आपने फोल्ड किस तरह करना है, फोल्ड करने के बाद आपने काटना किस तरीके से, डिज़ाइन किस उसमें बनाना, कि काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं है इस चीज़ का। वैसे देखते हैं तो पूछते रहते हैं जी ये डिज़ाइन कैसे बना कैसे बना। तो इसके ये सिर्फ फोल्डिंग और कटिंग दो चीज़ें हैं इसमें। डिज़ाइनिंग पर मैंने वैसे अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं है इस तरह की खास, मतलब वो दूसरी पेपर डिज़ाइनिंग पर बनाई है। तो स्पेशल जो ये डिज़ाइन बनाते हैं इस किस्म के, या ऊपर दोखल काटते हैं, अम्बल काटते हैं, या ऊपर नुके वगैरह काटते हैं, वो चीज़ नहीं बताई हुई अभी। उस पर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं जल्दी वीडियो भी बनाऊँ। तो अब सिर्फ पान को लगाना है। और ये गुड़ा तैयार हो गया। अब इसमें जो बाकी चीज़ रहेगी वो है इसकी टिक्कियाँ और एक और मज़े की चीज़ ये बिच्छू। अब ये मुझे नहीं पता ये क्यों लगाते हैं क्या, लेकिन मैंने अफगानी गुड्डों में देखा है इनके ऊपर ये बिच्छू सा लगा होता है। तो ये जूनियर ने बड़ा VIP काट लिया। अच्छा इस बिच्छू के बगैर गुड़ा इनकम्प्लीट है। बस और बिच्छू के बाद इसके ऊपर ये नुका, ये मर्जी है अपने लगाना लगाए नहीं लगाना ना लगाए, लेकिन ये बिच्छू होना चाहिए, उसके बगैर गुड्डा इनकम्प्लीट अफगानी जो है। और साइड में कोने कोने में ना चेपियाँ इस तरह की लगानी है आपने डबल। अभी गुलाई देख रहे हैं कमान की आप, गुलाई कैसे कोनों में से बन रही है, इसके गोल कोने निकले हुए खूब से। अभी नीचे कमेंट में ऐसी आवाम भी आ जाएगी जो कहेंगे भाई सफाई वो नहीं आ रही, उनको पता नहीं है कि सर्दियों में बनाओ तो ले भी खुश नहीं होती इतनी जल्दी। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके अगली आने वाली वीडियोज़ का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।